मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह इंदौर से मध्य प्रदेश के सभी 55 जिलों में प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का शुभारंभ किए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार भी उपस्थित रहे। अमित शाह ने अपने भाषण में कहा कि यह समय केवल कागज की डिग्री लेने का नहीं है, बल्कि जीवन में बदलाव लाने के लिए व्यावसायिक शिक्षा के कोर्स की भी आवश्यकता है। उन्होंने प्रदेश में नई शिक्षा नीति को सबसे पहले धरातल पर उतारने के लिए मध्य प्रदेश सरकार की प्रशंसा की। डॉक्टर मोहन यादव के प्रयासों की सराहना करते हुए अमित शाह ने कहा कि उन्होंने मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिंदी भाषा में शुरू कराई, जिससे गरीब परिवारों के बच्चों को भी लाभ मिला जाएगा। प्रदेश के 55 जिलों में कॉलेज ने सभी मापदंड पूरे कर प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का दर्जा प्राप्त किया। इस पहल का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को उत्कृष्ट और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है, जिससे वे विश्व भर के विद्यार्थियों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सके और हमारी प्राचीन संस्कृति और भाषा से जुड़ सके। स्ट्रेट हेड साहिल की इंदौर से विशेष रिपोर्ट। 2047 में जब देश की आजादी के 100 साल समाप्त होंगे, तब हमारा देश हर क्षेत्र के अंदर विश्व भर में सबसे प्रथम हमारा भारत होगा, ऐसा भारत का निर्माण करना। और भाइयों और बहनों, अगर ऐसे भारत का निर्माण करना है तो शिक्षा की नींव मजबूत करे बगैर नहीं हो सकता। और इसलिए मोदी जी ने दूरदर्शिता के साथ 2020 में आने वाले 25 साल की जरूरतों को पूरा करने वाली सभी चीजों को विजुलाइज कर नई शिक्षा नीति लाने का काम किया। ये नई शिक्षा नीति आने वाले 25 सालों तक भारत के विद्यार्थियों को विश्व भर के विद्यार्थियों के साथ स्पर्धा करने के योग्य बनाएगी और दूसरी ओर हजारों साल हमारी पुरानी संस्कृति और भाषाओं के साथ भी हमारे विद्यार्थियों को जोड़ने का काम करेगी। से हम अपनी जमीन से जुड़ते नहीं थे, मुझे इस बात की प्रसन्नता है यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अब हमारे अपने दर्शन को भी जानेंगे, हमारी संस्कृति को भी जानेंगे, हमारी सभ्यता से भी संबंध आएगा। उसके साथ साथ आधुनिक समय में आगे बढ़ते हुए ये जो हमारा वर्तमान का समय चल रहा है कि शिक्षा के साथ केवल कागज की डिग्री लेने के बजाय पढ़ाई में जीवन में बदलाव भी आए, जीवन में यश हाथ में आए, इसलिए व्यावसायिक शिक्षा के कोर्स भी संचालित होना चाहिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है आज एक्सीलेंस कॉलेज के माध्यम से हमारा बीकॉम लॉजिस्टिक, बीकॉम ई ऑपरेशन, बीकॉम इन रिटेल ऑपरेशन, बीकॉम बीएफएसआई, बीएससी इन हेल्थ केयर मैनेजमेंट, बीएससी मार्केटिंग एंड सेल्स अर्थात फार्मा एंड मेडटेक, ऐसे नए बहुत सारे कोर्स के माध्यम से हम अपने जीवन की दिशा तय कर सकते हैं। इस एक्सीलेंस कॉलेज के माध्यम से हमारे पास पीएम एक्सीलेंस कॉलेज में एविएशन का